हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू शिक्षा प्रभास। 12th क्लास के बच्चों ने दिया है अपना हिस्ट्री का मिड टर्म एग्जाम। 80 नंबर का पेपर था बेटा, और अब आप लोग देख रहे हैं अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अपने हिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। और ऑफिशियल आंसर की बेटा आप लोगों की इवनिंग में आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको शिक्षा प्रभा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो अभी हमने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उनका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैव आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द एविडेंस ऑफ अ प्लफिड फील्ड एसोसिएटेड विद अर्ली हरप्पन लेवल्स। तो वो है कालीबंगन। कालीबंगन में ही हमको खेती के सबूत सबसे पहले मिले थे, ठीक है। सबसे पहले एविडेंस हमको कालीबंगन में मिला है। दूसरा है, बाय वूम फ्रॉम द फॉलोइंग वर द गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट इशू। तो सबसे पहले कुशान शासकों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे, ये इसका सही आंसर होगा। तीसरा है, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत। तो महाभारत की ओरिजिनल स्टोरी यानी महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं, सभी को पता है, तो ऑप्शन ए पर जाएंगे। इसके बाद है बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है और उसका नाम पूछा है। तो ये क्या है, द कैरियट ऑफ द विठ्ठल टेम्पल, मतलब ये विठ्ठल मंदिर है जिसका कि रथ यहाँ पर आपको बना हुआ दिखाया गया है ना। तो 10th का ए। अब इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपकी हुई है 1336 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और पांचवा है, खालिस्तान आपको बढ़ना है, जिसके अंदर पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु यानी कि सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तु कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा फेमस जो है सिंधु सभ्यता में उनकी मोहर सील हुई थी, यानी कि हड़प्पा की मोहर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीराबाई के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है। तो उन्होंने विष्णु के अवतार राम को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया, तो ये सभी को पता है कि ये गलत है ना, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थी। दूसरा, उनका जन्म मेवाड़ में हुआ था, सही है, उनके गुरु रैदास थे, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर गलत माना जाएगा। पॉइंट 4, उन्होंने पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को दिखाने से इनकार किया, इसका कोई सबूत हमें नहीं मिलता। तो क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 और 3 सही है। तो पॉइंट नंबर 2 और 3 के आधार पर हम जाएंगे ऑप्शन गा पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो कथन दिए गए हैं, ए और आर, बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए बेटा, इसका मैं आपको बिल्कुल डाउटफुल आंसर ही यहाँ पर दूंगी क्वेश्चन नंबर 7 का। मे बी इसका हो सकता है कि ए आपका गलत है और आर सही है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑफिशियल आंसर की में चेंज किया हुआ आ सकता है, तो सही आंसर आप ऑफिशियल आंसर की में देख लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप लोगों को दिया है कि कविता की रचना से संबंधित विकल्प का आपको चयन करना है। तो क्योंकि यहाँ पे दक्षिणी कविताओं की बात हो रही है, तो दक्षिणी एरिया आ जाता है हमारा कौन सा, बीजापुर और कर्नाटक, ठीक है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, अजमेर, राजस्थान, ये सब। तो इसका आ जाएंगे हम ऑप्शन का बीजापुर। चीन के विषय में इबन बतूता द्वारा दिए गए वृत्तांतों की तुलना किसके वृत्तांतों से की गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो इसका आंसर भी आप अपने ऑफिशियल आंसर की में ही देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, महिलाओं की स्थिति के विषय में यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यही है कि महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, महिलाएं दास होती थी, सती प्रथा भी थी, ठीक है, कृषि कार्य में भी वो योगदान उनका बराबर था, बस वो व्यापार नहीं करती थी। तो इसके अंदर जाएगा 10th का सी। इसके बाद आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली और आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड और गिवन ऑप्शंस करके दे रखा है। तो दे अमेंटेड फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द प्रिमिवल मैन, तो भुजाओं से कौन बने हैं और किनका काम था प्रोटेक्ट करना पीपल्स को, लड़ाई लड़ना, तो वो थे क्षत्रिय, ठीक है। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के पास। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच ईयर अल्बरूनी वाज बॉर्न, तो 1973 CE, ऑप्शन डी पर हम जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग प्रॉपरली विद रेफरेंस टू द मेजर इंसिडेंट ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो
पेड़ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और तो हम क्या बोल सकते हैं, मेडिटेशन को एक खाली जगह से दिखाएंगे और फर्स्ट सेरमन को चक्र से दिखाएंगे और महापरिनिर्वाण को स्तूप से दिखाएंगे। तो DCBA क्रम जा रहा है हमारा, DCBA, और ये क्रम हमको मिल रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये हमने कर लिया है, नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व किया गया। तो VS सुखथांकर, ठीक है, ये इसका सही आंसर रहेगा 14 का ए। 15 है, सूफी संत ईश्वर का नाम जप या फिर श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते हैं। तो ईश्वर का नाम जक्र को, नाम जप को बोला जाता है जिक्र, ठीक है, और श्रवण करना यानी कि समा। तो 15 का सी आंसर होगा। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी? तो वो थी महाप्रजापति गौतमी। 16 का ए सही आंसर है। धम्म के प्रचार के लिए अशोक चक्र के, अशोक के द्वारा किन विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई? तो धम्म महामांत की नियुक्ति की गई, ऑप्शन सी 17 का, ऑप्शन डी 17 का, ऑप्शन डी धम्म महामांत। 18 है, दिए गए विकल्पों में से सही स्थान का चयन करना है। तो पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फल वाले हल का प्रयोग 20वीं शताब्दी में शुरू किया गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति को पहचानिए। इन्होंने सांची को वृक्ष एवं सर्प पूजा का केंद्र माना था। तो वो कौन थे? जेम्स फर्ग्यूसन थे। आगे पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इसका चला जाएगा 19 का ए। 20 है, वैष्णववाद परंपरा के अंतर्गत ईश्वर के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? तो 10 अवतार, ठीक है, भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, जिसमें कि कल्कि अवतार होने वाला है, कलयुग में सभी को लगभग पता ही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1951 और 52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल के द्वारा किस गाँव में उत्खनन कार्य किया गया? तो ये था ऑप्शन का हस्तिनापुर, ठीक है। तो 20 का हो गया। इसके बाद अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। जो आपके बाकी के क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप अपनी ऑफिशियल आंसर की में देख लीजिएगा, शाम को ऑफिशियल आंसर किया जाएगी। उसके लिए आपको शिक्षा प्रवाह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। और तब तक हम देख लेते हैं जो आपको यहाँ पर कुछ स्रोत आधारित प्रश्न दिए गए थे, है ना, उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देवनाम प्रियदर्शी का क्या अर्थ है? तो देवनाम प्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय, ठीक है। और देवताओं का प्रिय कौन था, किस राजा के बारे में पूछा गया है? तो सम्राट अशोक के बारे में। और एक प्रतिवेदक राजा के प्रति क्या कर्तव्य है? कि वो जो प्रजा है उसके बारे में सही जानकारी राजा को उपलब्ध कराए, अच्छी भी बुरी भी, ठीक है। इसके बाद आपका है बर्नियर, बर्नियर क्या कहता है, कहाँ का निवासी है? तो बर्नियर फ्रांस का निवासी है, ठीक है। और इसके अलावा मुगल साम्राज्य के बारे में क्या कहता है, क्या देखता है? तो बोलता है कि अच्छा शासन नहीं है, जो मुगल साम्राज्य का राजा है वो भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा है, मतलब प्रजा भी अच्छी नहीं है, पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य, मुगल मॉडल ही बर्नियर के अनुसार खराब है। तीसरा है कि बर्नियर यूरोप को क्या चेतावनी दे रहा है? तो वो ये कह रहा है कि मुगल मॉडल को मत अपनाओ, अगर आप मुगल मॉडल को अपनाओगे तो आपकी जो जनता है या जो आप हो, आप विनम्र नहीं रहोगे, आपकी दयालुता खत्म हो जाएगी, समृद्ध नहीं हो पाओगे, खेती नहीं कर पाओगे अच्छी, आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका। इसके बाद आप लोगों से पूछा गया है, नेक्स्ट है सूफीवाद और तस्वुफ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सूफीवाद किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। इस्लामी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अरबी भाषा में बोला गया है सूफीवाद के लिए, इस्लाम ग्रंथों में बोला गया है तस्वुफा सूफीवाद के, ठीक है। इसके बाद सेकंड है, सूफीवाद शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ क्या है? सूफी मतलब कि, मतलब ऐसे सूखा, तो मे भी शायद गीला या मतलब ऐसे ठंडा, वूल कुछ भी हो सकता है। और करेक्ट आंसर बेटा इसको आपका मिलेगा आपकी ऑफिशियल आंसर की में, तो इसको छोड़ देते हैं।
तीसरा है किन्हीं दो सूफी संतों के नाम बताओ। तो किन्हीं दो सूफी संतों के नाम, मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए एक, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया हो गए, है ना। तो दो नाम आप सूफी संत में ये दे सकते थे। ठीक है, तो ये था आप लोगों का सॉल्यूशन हिस्ट्री के पेपर का, और बाकी पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन बेटा आपको इवनिंग में मिल जाएगा, ऑफिशियल आंसर की होगी। ठीक है, तो होप वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, पेपर आपका अच्छा जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पर आपको मिलेंगे आपके सभी क्वेश्चन पेपर्स की ऑफिशियल आंसर कीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।